देखने वाले सारे व्यूवर को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, यह लाइट ये ख़राब ही है, इसके अंदर जो बैटरी है दोस्तों वो ख़राब होगी। काफ़ी देर से ये पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर ये जो लिथियम पॉलीमर सेल होते हैं ये डालते हैं, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इसकी ऑन ऑफ की बटन है, तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है। देखें, ये देखें, तो दोस्तों मैं इसे खोलता हूँ तो बैटरी आज इसकी चेंज करेंगे, वो बैटरी निकाल के ये वाली बैटरी डालेंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से मैं इसे खोल लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो दोस्तों मैं इसे खोल लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये खोल लिया इसे कुछ इस तरह से, ये बहुत ही प्यार के साथ जो है ना इसे खोलेंगे। और दोस्तों ये इसके अंदर बैटरी, एंड्राइड बैटरी। तो दोस्तों इसके साथ आज इसको चेंज करेंगे, ये बैटरी निकाल देंगे और ये जो लिथियम पॉलीमर सेल होते हैं ये इसमें डालेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से पैरेलल में जुड़ी हुई थी, तो मैंने सेलों को भी पैरेलल में दोस्तों कुछ इस तरह से जोड़ रखा है। दोस्तों आप चाहें तो लैपटॉप की जो ख़राब बैटरी होती है उसमें से भी निकाल सकते हैं, अगर नए डालना चाहें तो नए भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में यह फैसलाबाद में से मिलती है 70 रुपीज़ की, 70 रुपये की एक बैटरी, और ये जो सेल है ये 100 रुपये का एक मिलता है 100 रुपीज़ का। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक तो इनका वज़न बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों इनका वज़न भी कम है और ये जो बहुत ज़्यादा जो है ना देर तक चलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं इनको हटा देता हूँ बैटरियों को इससे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये हटा लेंगे इनको कुछ इस तरह से। और दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव की ये देखें, रेड ये जो रेड केबल है ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक है नेगेटिव है। तो दोस्तों ये जो सेल हैं इनकी ये वाली साइड जो है पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो दोस्तों ये भी मैंने दो तरह के सेल लगा रखे हैं कि ये कैप वाला सेल है और एक के ऊपर ये कैप नहीं बनी हुई। इनमें से जो अच्छा सेल होता है जिसके ऊपर ये कैप नहीं बनी होती यही है, जिसके ऊपर ये कैप बनी होती है ये सेल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो जब भी आप ख़रीदें ये वाला सेल ख़रीदें, ये वाला सेल हमारे किसी काम का भी नहीं होता, जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये जो ना गर्म हो जाता है। ये वाला सेल ख़रीदें, ये बहुत पावरफुल होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ये जो रेड थी पॉजिटिव थी और ये जो ब्लैक थी नेगेटिव थी। तो दोस्तों मैंने दोनों केबलें लगा दी कुछ इस तरह से, ये देखें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो दोस्तों ये जो खांचे बने हुए हैं इसके अंदर ये सेल आ जाते हैं कुछ इस तरह से, हम इनकी कुछ इसी तरह से यहाँ पर फिटिंग कर देंगे। और दोस्तों इसको पक्का करने के लिए ज़रूर इसके ऊपर कोई एल्फी वगैरह ज़रूर डालें, ये देखें यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर भी फिट हो गए। तो यहाँ पर मैं अल्फी डाल देता हूँ और यहाँ पर भी, ताकि ये हिले डुले ना, तो मैं अल्फी डाल के पक्का कर देता हूँ इन्हें। तो दोस्तों मैंने अल्फी डाल के इसे पक्का कर दिया, अब इसके ऊपर लगा देंगे इस ये जो इसकी कैप है इसको कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये जो इसके ये बने हुए खांचे, तो कुछ इसी तरह से इसके ऊपर इसे लगाएंगे कुछ इस तरह से, होल के ऊपर होल। तो ये इसकी फिटिंग हो गई। तो अब इसकी कैप जो ऐसे कर देंगे बंद कुछ इस तरह से, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये देखें। मैं इसे इसके स्क्रू जो है ना टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये एकदम तैयार है इस चलने के लिए। तो मैं इसका ये जो बटन है इसे करता हूँ, और ये देखें ये बैटरी हमने इसके हटा दी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के मतलब दोस्तों किसी तरह के भी वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट करें, हम आपको वैसी वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।